चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना की राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया और अब उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। खबरें हैं कि लोकसभा का इलेक्शन भी वो लड़ सकती हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और लोकसभा का इलेक्शन वो लड़ सकती हैं। फिलहाल अपडेट ये है क्योंकि कल उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया, आज उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगे वो इलेक्शन लड़ सकती हैं ये माना जा रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। कल उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था और अब यह अपडेट सूत्रों के हवाले से, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उनके उनको लेकर लगातार ये चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं कि लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ सकती हैं। दरअसल आप देखें 2019 तक तमिलनाडु भाजपा की प्रमुख वो रही हैं। सितंबर 2019 में उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और अब कल उन्होंने इस्तीफा दिया, आज उनका जो इस्तीफा था उसको मंजूर भी कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, तेलंगाना के राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर हो गया। बीते दिन ही तमिलिसाई सुंदरराजन की तरफ से इस्तीफा दिया गया था और ये जो बड़ी खबर है वो ये कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। चुनाव से ठीक पहले उनका ये इस्तीफा, अब सवाल ये कि क्या वो चुनाव लड़ेंगी, क्या उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तमाम सवाल जो कि भविष्य के दर्द में है। लेकिन बड़ी खबर ये कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। पुदुचेरी उपराज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। झारखंड के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि झारखंड के राज्यपाल अब तेलंगाना की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी जो जानकारी है वो ये कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलिसाई का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन अब डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन का अगला कदम क्या, अब ये सवाल बना हुआ है क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में एक लंबा अनुभव है तमिलिसाई सुंदरराजन के पास। लेकिन क्या अब वो चुनाव लड़ेंगी या फिर चुनाव के मद्देनजर कोई ऐसी जिम्मेदारी क्या उनको मिल सकती है पार्टी की तरफ से, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, एक अपडेट ये कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो कि अभी तक झारखंड की जिम्मेदारी बतौर राज्यपाल संभाल रहे हैं, उनको तेलंगाना की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल ही राज्यपाल ने अपना इस्तीफा दिया था और ये अहम इसीलिए भी क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस जगह पर मौजूद थे। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर ये जानकारी जो दी गई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये जानकारी कि जो रेजिग्नेशन है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन का, वो स्वीकार कर लिया गया है गवर्नर ऑफ तेलंगाना और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, यानी कि उपराज्यपाल पुडुचेरी के तौर पर भी जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया उसको मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा ये जो जानकारी राष्ट्रपति भवन से सामने आई है उसमें इस बात का जिक्र है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्लीज टू अपॉइंट श्री सी पी राधाकृष्णन गवर्नर ऑफ झारखंड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, यानी कि जो अभी जिम्मेदारी डॉक्टर सी पी राधाकृष्णन बतौर राज्यपाल झारखंड के जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तेलंगाना और साथ ही साथ उप राज्यपाल पुदुचेरी के तौर पर भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि सवाल यही है कि अब अगला कदम सुंदरराजन का क्या होगा। लेकिन बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर।